Assalamualaikum everyone, this is Avira B. Welcome back to my YouTube channel. So, मुझे अपने कुछ कोरियन स्नैक्स जो है रीस्टॉक करने थे. यहाँ मैंने अपनी पजेरो को स्टार्ट कर लिया था और मैं जा रही थी चाइना पार्क विद माई खाला और उनकी बेटी छोटी सी ज़ारा. और मुझे वहाँ मैं सेकेंड टाइम जा रही हूँ. मुझे डम्पलिंग्स रीस्टॉक करनी थी और उसके साथ साथ मुझे नूडल्स भी लेने थे. चलें तो फिर हम वहाँ चल के आपसे मिलते हैं. ओके गाइस, हम पहुँच चुके हैं चाइना पार्क और ये उसकी एंट्रेंस है. छोटा सा मार्ट बनाया हुआ है इन्होंने और बेसमेंट में भी काफ़ी अच्छी क्रॉकरी वगैरह है. वीडियो के एंड में मैं लिंक अटैच कर दूँगी. इससे पहले जब मेरा फर्स्ट विजिट था मैंने डिटेल में दिखाया था. आज मैं जब बस चीज़ें लेने आई थी और मैं एंड में आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या चीज़ें ली. ये सब का सब डायरेक्टली चाइना से लोग इम्पोर्ट करते हैं. सो ये वाले नूडल्स मैं लेने लगी थी लेकिन जो है ये हलाल नहीं थे. आपको यहाँ पे हलाल और हराम का देखना पड़ता है कि खाने में क्या हम खा सकते हैं. मैं ढूंढ रही थी कि मुझे जो है पिंक वाले और ब्लैक वाले मिल जाएं बट वो नहीं मिले. देन आई मूव टूवर्ड्स डम्पलिंग्स क्योंकि मुझे इनकी डम्पलिंग्स बहुत पसंद है. बहुत मज़े का टेस्ट होता है और एक पैकेट में 25 पीसेज होते हैं और 800 का पूरा पैकेट होता है. सो यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा. कोरियन फूड, कोरियन स्नैक्स, क्रॉकरी, हर चीज़ मिलेगी. सो यहाँ मैं घर आ गई थी और ये वो सारी चीज़ें जो मैं लेकर आई थी. एक सेकेंड आ गया. सो हाँ, ये सारी चीज़ें जो मैं लेकर आई थी, ठीक है. ये वो नूडल्स हैं और इसमें ये रेड वाले हैं. अच्छा, ये सारे जो हैं हलाल थे, मैं चेक करके लाई थी. दूसरा ये कि ये वाले अब हम ट्राई करेंगे क्योंकि ब्रेस्ड बीफ नूडल्स हैं और इसमें जो है ये सीन है कि आई डोंट ईट बीफ बट जो है फ्लेवर उस टाइप का. सो मैं सिर्फ ट्राई करने के लिए लाई हूँ कि ये कैसे हैं. बाकी असल बीफ तो नहीं होगा ऑब्वियसली इसमें. देन ये स्पाइसी हॉट नूडल्स हैं. वो ग्रीन वाला जो था ना, वो चिली फ्लेवर था, ग्रीन चिली फ्लेवर. और जो मुझे नूडल्स लेने थे वो तो मुझे मिले नहीं, फिर मैंने बाद में उन्हें फूड पैंडा कराया. ये ऑरेंज फ्लेवर मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, इतना कोई ख़ास नहीं होता बट जो है ना मैं फिर से ले आई. एक ये मेरी खाला ने अपनी बेटी के लिए स्नैक्स लिए थे और बाकी वही रेड वाले नूडल्स हैं. अच्छा, तो भाई यहाँ पे हम आ जाते हैं डम्पलिंग्स से. मैंने डम्पलिंग्स में दो पैकेट लिए हैं भाई क्योंकि मुझे डम्पलिंग्स बहुत पसंद है इनकी. मैं नूडल्स में डाल के खाती हूँ और मैं शॉर्ट्स पे भी अपलोड करूँगी जब भी मैं रेसिपीज़ डिफरेंट ट्राई करूँगी. बहुत मज़े की होती है. मतलब मार्केट में हमें समझ लो 700-800 में 5-6 पीसेज मिलते हैं और यहाँ मुझे 700-800 में 24 पीसेज मिले हैं. तो मैं दो पैकेट लेकर आई हूँ ताकि सुकून से मेरे 2-3 महीने आराम से गुजरें. देन मैंने ये दराज से ऑर्डर कर लिए थे, सॉरी फूड पैंडा से ऑर्डर किए थे. इसका एक न्यू फ्लेवर आया. एक तो ये पिंक वाला होता है और उसी में ना एक न्यू फ्लेवर आया, वो आपको सबसे टॉप पे रखा हुआ दिख रहा होगा. बहुत यमी फ्लेवर है. ये जितने भी सामने रखे हैं मैंने, ये मेरे फेवरेट हैं, ठीक है. और ये वाले फ्लेवर की मैं बात कर रही हूँ, क्रीम कार्बोनारा फ्लेवर है. बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है. मैंने इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस डाल के खाया था और बहुत मज़े का लगा था. और ये है कि बस बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, ये फेवरेट हैं ये तीनों फ्लेवर्स मेरे. और ये ब्लैक वाला तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है. बट अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, ब्लैक और पिंक को, तो मुझे पिंक वाला ज़्यादा अच्छा लगता है. ब्लैक वाला भी अपनी जगह अच्छा है लेकिन पिंक वाले की बात अलग है. वो थोड़ा क्रीमी सा है और ये थोड़ा सा चिकन हॉट सा आ जाता है, स्पाइसी. एक दफ़ा मैं फिर से बता दूं कि आप लोग चाइना पार्क जब भी जाएं तो काइंडली हलाल और हराम का देख लीजिएगा. जैसे इस नूडल पे हलाल लिखा हुआ है तो दैट मींस इट इज़ हलाल एंड यू कैन ईजिली ईट इट. साथ साथ मैंने फूड पैंडा से जो है ना इंडोमी का बहुत सुना था तो मैंने ये भी ऑर्डर कर लिए. एक ही फ्लेवर किया है ट्राई आउट करने के लिए कि ये कैसे हैं. तो मैं इनको ट्राई करूँगी और शॉर्ट्स में बताऊँगी कि ये कैसे हैं क्योंकि मैं वहाँ पर ऐसी रैंडम वीडियोस डाल रही होती हूँ. तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें. और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय चैनल. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़.